अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुस्पान खान और आप देख रहे हैं अब्दुस्पान यूट्यूब चैनल। दोस्तों वेलकम करता हूं आज की इस न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों मैं यहां पर आज की वीडियो में आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी चकवाल में न्यू आने वाली जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों अगर आप लोग भी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी चकवाल में जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने मेरी वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखना है और आपने मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी मेरी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के निशान को लाजमी दबा दें। दोस्तों इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं इस तरह की जॉब्स के रिलेटेड कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे और आप मेरी वीडियो से सबसे पहले फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास पहले नंबर पर ये जो पोस्ट है जूनियर कलर की, इसके लिए टोटल एक असामी है। इसके लिए जो आपको स्केल में लगवाई जा रहा है इसमें जो उम्र खत रखी गई 18 से 25 साल होनी चाहिए और इसमें जो तलीमी काबिलियत रखी वो हायर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट होना लाजमी है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास दूसरे नंबर पर ये जो पोस्ट है लेडी हेल्थ विजिटर जूनियर टेक्नीशियन की, इसके लिए टोटल एक असामी है। इसके लिए जो आपको स्केल में लगवाना हो इसमें जो उम्र खत रखी वो 18 से 25 साल होनी चाहिए और इसमें जो तलीमी काबिलियत रखी वो FSC होनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास तीसरे नंबर पर ये जो पोस्ट है डिस्पेंसर जूनियर टेक्नीशियन की, इसके लिए टोटल 2 असम है। इसमें जो आपको स्केल में लगवाना हो इसमें जो उम्र की हद रखी है 18 से 25 साल होनी चाहिए और इसके अलावा यहाँ पर इसमें भी तलीमी काबिलियत FSC होनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास चौथे नंबर पर ये जो पोस्ट है लैब असिस्टेंट जूनियर टेक्नीशियन की, इसके लिए टोटल 1 असम है। इसमें जो आपको स्केल में लगवाए 9, इसमें जो उम्र की हद रखी है 18 से 25 साल होनी चाहिए और इसके अलावा यहाँ पर इसमें भी तलीमी काबिलियत FSC होनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास पाँचवें नंबर पर ये जो पोस्ट है वैक्सीनेटर जूनियर टेक्नीशियन की, इसके लिए टोटल 2 असम है। इसमें जो आपको स्केल में लगवाए 9, इसमें जो उम्र की हद रखी वो 18 से 25 साल होनी चाहिए और इसमें भी तलीमी काबिलियत FSC होनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास छठे नंबर पर ये जो पोस्ट है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की, इसके लिए टोटल 1 असम है। इसमें भी उम्र की हद 18 से 25 साल होनी चाहिए और इसके अलावा यहाँ पर इसमें जो तलीमी काबिलियत रखी वो FSC होनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सातवें नंबर पर ये जो असम है रेडियोग्राफर की, इसके लिए टोटल 1 असम है। इसमें जो आपको स्केल में लगवाए 9, इसमें भी उम्र के 18 से 25 साल होनी चाहिए और इसमें भी तलीमी काबिलियत FSC होनी चाहिए और इसमें मैट्रिक वाले हैदराबाद भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास आठवें नंबर पर ये जो पोस्ट है मिडवाइफ, इसके लिए टोटल 2 असम है। इसमें जो आपको स्केल में लगवाए 4, इसमें भी उम्र के 18 से 25 साल होनी चाहिए और इसके अलावा यहाँ पर इसमें तलीमी काबिलियत मैट्रिक सेकेंड डिवीजन के साथ पास होनी चाहिए या उसके मसावी तलीम होनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 9वें नंबर पर ये जो पोस्ट है वार सर्वेंट की, इसके लिए टोटल 1 असम है। इसमें जो आपको स्केल में लगवाए 1, इसमें जो उम्र क्या रखी है 18 से 25 साल होनी चाहिए और इसके लिए यहाँ पर इसमें जो तलीमी काबिलियत रखी है वो मिडल पास होनी चाहिए। और इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 10वें नंबर पर ये जो पोस्ट है वाटर कैरियर की, इसके लिए टोटल 1 असम है। और इसके लिए यहाँ पर इसमें जो आपको स्केल में लगवाए 1, इसमें उम्र क्या 18 से 25 साल होनी चाहिए और इसमें तलीमी काबिलियत प्राइमरी पास होनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 11वें नंबर पर ये जो पोस्ट है वार्ड क्लीन्स की, इसके लिए टोटल 1 असम है। इसमें जो आपको स्केल में लगवाए 1, इसमें उम्र के 18 से 25 साल होनी चाहिए और इसके लिए यहाँ पर इसमें जो तलीमी काबिलियत रखी है वो प्राइमरी पास होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप भी जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 6 फरवरी 2019 से, जल्दी अप्लाई करें, वक्त बहुत कम है। और इसके अलावा अगर आप इन जॉब्स की मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो मैं आपको इस फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा। दोस्तों इस फॉर्म में आपको इसका अप्लाई करने का तरीका, इसके शरायत वाबित और इसके अलावा यहाँ पर इसमें आपको इसकी और भी बहुत सी डिटेल मिल जाएगी। फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी याद की वीडियो पसंद आएगी। मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।